हाय गाइस, सबको मेरी आवाज आ रही है? आवाज यस आ रही है? सर। ओके, ग्रेट। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव सबमिटेड योर पोर्टफोलियो एंड ऑल ऑफ यू हैव सबमिटेड योर थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो इफ एनी वन ऑफ यू आर फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो, दैट्स टोटली फाइन, बिकॉज आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्कस द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड, बिकॉज NID इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट फ्यू थिंग्स दैट Now I'm going to discuss about those things only. See, you have your own way of presentation. You have your own way of expressing yourself. You have your own way of answering the things, and you have your own language. You have your own mother tongue. So now, first thing is that NID. I'm not going to talk about what answers you have to give, because that's going to be very unique. Do not tell me that what answer you want to give, because if we start discussing the answer, that's the biggest blunder in NID, because NID do not want any kind of they don't want to listen any rataya answers. They want you to be natural. Ab wo naturality aapki English bol ke aati hai, Hindi bol ke aati hai, that's totally up to you. That's totally fine in whatever way you communicate. So the basic question which I have received from you people is that what is the weightage of the NID interview? So number one is that, see, if the second year they are conducting the interview online, so it means that in what to expect in the online interview. So last year also they have conducted the interview online, and the interview was extremely extremely friendly. There were people in the panel, do log, teen log, depend karta hai ki is saal kitne log honge, wo koi mention nahi hai. कि आपके इंटरव्यू पैनल में तीन लोग होंगे या चार लोग होंगे या पांच लोग होंगे, हो सकता है आपके इंटरव्यू पैनल में दो ही लोग हों, तो वो आप नहीं बोल सकते हो कि सर मेरे इंटरव्यू के पैनल में आठ लोग थे या मेरे इंटरव्यू के पैनल में तीन लोग थे, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन जनरली जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसमें अगर तीन लोग होते हैं या चार लोग होते हैं तो एक थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है, एक आपका साथ भी दे रहा होता है। जब इंटरव्यू हो रहा हो आपका, तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट चीज है कि आई कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है। ऐसा मत करना कि उनको लगे कि आप कहीं सोच रहे हो उधर उधर और उधर से आंसर आ रहा है, कहीं मतलब ऊपर देख रहे हो और ऊपर। कुछ स्टूडेंट आप लोग की आदत होती है कि कहीं सोचने के लिए आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है कि उधर दाएं बाएं देखने लगते हो और वो देख के आपको आपका आंसर याद आता है। ऐसा बिल्कुल मत करना। दे वॉन्ट टू सी हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर आंसरिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो बोल दो कि नहीं आता है। डो नॉट ब्लफ At any cost, do not bluff. ऐसा कोई वो तिकड़मबाजी का सवाल नहीं पूछेंगे आपको कि आपको लगेगा कि यार ये कैसा इन डेप्थ। अगर आप पोस्ट ग्रेड के भी स्टूडेंट हो, अगर आप अंडर ग्रेड के भी स्टूडेंट हो, ऐसा आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे जो टेक्निकल होगा। ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे जिससे आप परेशान हो गए। वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो काम किया, वो ये नहीं बोलेंगे आपसे ना कि आपने ये क्यों नहीं किया, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि आप में से किसी ने वुड वर्क किया हो, बैम्बू वर्क किया हो, और आप में से किसी ने आर्ट वर्क किया हो। जिसने बैम्बू वर्क किया है वो आर्ट वर्क नहीं किया हो, तो वो नहीं पूछेंगे कि आपके फाइल में आर्ट वर्क क्यों नहीं है। लेकिन वो ये जरूर पूछेंगे बैम्बू के बारे में। सब कुछ पूछ सकते हैं, कौन करता है, कब होता है, कैसे होता है, कितने साल पुराना आर्ट है, कहाँ पे प्रोमिनेंटली होता है, इसके आर्टिसंस कहाँ पे मिलते हैं, अब उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। सो बी वेरी गुड एट वॉट यू आर प्रेजेंटिंग, नो मैटर। अगर आप पोस्ट ग्रेड के भी स्टूडेंट हो, इवन इफ यू आर ए पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट, यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट इज इन योर पोर्टफोलियो। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अ लॉट थिंग फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम यू। दे विल आस्क ओनली द थिंग्स व्हिच इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रिलेटेड विथ योर पोर्टफोलियो। सो अगर आपने पोर्टफोलियो में फोटोग्राफी डाला है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फोटोग्राफी, अगर आपने आपके पोर्टफोलियो के अंदर फोटोग्राफी है, तो मैं थेमेटिक पे बाद में आऊंगा, बट फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो बिकॉज दिस इज कॉमन फॉर बोथ अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड। तो अगर आपके में फोटोग्राफी है तो अपर्चर शटर स्पीड होना चाहिए। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बोल दो मैंने ऑटोमेटिक पे क्लिक किया है। लेकिन अगर आपने ऑटोमेटिक पे क्लिक किया और आप उनको बोल दोगे कि भाई मैंने तो ये क्लिक किया है, शटर स्पीड इतना था, तो वो आपसे ये भी फिर पूछेंगे कि अच्छा अगर रात में मुझे इसी जगह का फोटो क्लिक करना होगा तो शटर स्पीड क्या होगा, अपर्चर क्या होगा, तो फिर आप नर्वस हो जाओगे। तो इसीलिए ना कोई भी चीज रटा रटाए मत जाना, मतलब आपके पोर्टफोलियो में जो भी चीज है उसके आगे का और उसके पीछे का दोनों चीज पता होना चाहिए आपको। दे डोंट वॉन्ट टू सी दैट यू नो एवरीथिंग, दे वॉन्ट टू सी हाउ कीन लर्नर यू आर।
आपने जो काम किया उसको आप कितने अच्छे से सीखना चाहते हो। सो आप बिल्कुल नर्वस मत होना अगर आप अपने काम में अच्छे हो, आप बिल्कुल नर्वस मत होना अगर आपको पता है कि आपके पोर्टफोलियो में क्या, अगर आपके पोर्टफोलियो में 5 ही काम है, अगर आपके पोर्टफोलियो में 6 काम है, लेकिन वो 6 काम के बारे में आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेकर एंड तक सब पता है ना, तो आपका पोर्टफोलियो उससे बेटर है जिसके पास 40 काम है और उसको उसके बारे में नहीं पता है। तो पहले ये दिमाग से निकाल देना कि सर मैंने 12 स्लाइड का पोर्टफोलियो डाला है। अब अगर सपोज कि आपको बसेस में बहुत इंटरेस्ट है, अगर आपको कार्स में बहुत इंटरेस्ट है और आपने कार के बारे में डाला है पोर्टफोलियो में, तो मत सोचना कि वो आपसे कार के बारे में नहीं पूछेंगे, यो नहीं सोचेंगे कि इससे कार के बारे में पूछ के क्या फायदा, भी तो फाउंडेशन ईयर में एडमिशन हो रहा है। वो आपसे कार के बारे में भी पूछेंगे और आपसे ये भी पूछेंगे कि इसमें क्या क्या अपग्रेड्स हुए हैं, पहले कैसा कार था ये, उसके बाद कैसा हुआ, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, इसका कॉस्ट क्या है, उसके कॉस्ट में जीएसटी कितना लगता है। अगर आप बोलोगे कि मुझे प्लेन में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे मुझे अपने किसी सपोज यॉट में इंटरेस्ट है, शिप में इंटरेस्ट है, और आपने शिप के 5-6 स्केचेस डाल दिए, तो आपसे पूछेंगे कि शिप का साइज क्या होता है, वेट क्या होता है। सो दे विल आस्क ओनली दोज थिंग्स विच यू वॉन्ट देम टू आस्क। सो बेसिकली इन योर पोर्टफोलियो वॉट एवर यू हैव सबमिट, यू आर क्वाइट क्लियर दैट दीज थिंग्स आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट, एंड एन आई डी कैन आस्क मी मोस्टली एनी थिंग अबाउट दीज थिंग्स। सो एन आई डी पीपल कैन ओनली ग्रिल यू, एन आई डी पीपल ग्रिल्स यू। अ लॉट ऑफ टाइम वी हैव सीन कि एन आई डी पीपल हैव ग्रिल, लेकिन वो किस कंडीशन में किए, जब आपकी कोई झूठ पकड़ी गई हो। वो बिल्कुल नहीं आपको बोलेंगे कि वो आपकी नेचुरलिटी देखना चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं देखना चाहते कि आप किसी कोचिंग सेंटर से क्या सीख के आए हो, वो बिल्कुल नहीं देखना चाहते कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कितनी बार की है, आपने 100 बार की है, आपने 200 बार की है। इसीलिए जब हम आपको प्रिपेयर भी कराते तो हम 1-2 बार से ज्यादा नहीं कराते, क्योंकि अगर हम उससे ज्यादा बार करवाएंगे तो आप चीजों को रटना शुरू कर दोगे, और जैसे आप चीजों को रटना शुरू कर दोगे आप फंस जाओगे, क्योंकि उनको उनको उन वो 200-2000 बच्चों का इंटरव्यू जो लोग ले रहे हैं उनको पता चल जाता है देख के कि आप कितना रट के आए हो, आपको कोचिंग सेंटर ने कितने सारे क्वेश्चन रटवाए हैं, आपने कितने एनआईडी के एक्सपीरियंस से अपने सीनियर से पूछा है। हो सकता है उनका पूरा क्वेश्चन का सेट ही डिफरेंट हो इस बार, इस बार वो एनआईडी के जो इंटरव्यू में वो बात ही ना करें आपके पोर्टफोलियो के बारे में, वो आपके शहर के बारे में बात करें। हो सकता है बोले आप किस शहर से हो, आप बोलोगे कि मैं तो वैसे तो दिल्ली से हूँ लेकिन मैंने अपनी स्कूलिंग बैंगलोर में की है, तो बोलेंगे अच्छा बैंगलोर में कहाँ से की हो, तो वो बताओगे स्कूल से किए, अच्छा तो वहाँ का कौन सा बेस्ट जगह आपको लगता है, वो कितनी दूर है शहर से, वहाँ पे और क्या क्या चीज़ है। अगर मैं टूरिस्ट बन के आपके शहर में आऊँ तो अगर मेरे पास सिर्फ 200 रुपए तो आप मुझे क्या क्या चीज दिखा पाओगे कि मैं 200 रुपए में घूम भी लूँ और कर भी लूँ। तो हो सकता है एनआईडी अपना पैटर्न ही चेंज कर ले, एनआईडी आपसे 0 चीजें पूछे आपके थेमेटिक और आपके पोर्टफोलियो के बारे में, और सब कुछ पूछ ले आपके शहर के बारे में। हो सकता है कि एनआईडी आपसे पूछे कि अब एक बार बताओ कि ये जो पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है फार्मर का, ये जो हो रहा है इसके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है, वो ऐसे चीज ही पूछेगा जो यू आर सपोज टू नो, और उसके बारे में वो आपसे बहुत कोई इनडेप्थ आंसर नहीं चाहेगा कि आपको पता होगी राकेश टिकैत कौन है, वो कौन है फार्मर, वो पता होना चाहिए कि तुमको पता है कि फार्मर में क्या इश्यूज है, एमएसपी का इशू है क्या है। लेकिन अगर तुम बोल दोगे ना कि सर इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं क्योंकि मेरा क्लास 12 था, मेरा पूरा फोकस उधर ही था, तो आपको बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आपको पता होना चाहिए था। लेकिन ये मत कर देना ना कि मुझे पता है, पूछो जो पूछना, और फिर 4 सवाल पूछेंगे और फिर आप शांत हो जाओगे। सो प्लीज स्टिक टू दोज थिंग्स इन विच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट एनी थिंग एंड दे हैव आस्क्ड, प्लीज हम्बली से कि आई आई सर्टनली आई कि मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आप कुछ आप वो हो सकता है ये भी पूछे से, तुम बताओ तुम क्या क्या चीज के बारे में तुम मेरे से बात कर सकते हो। तुम बताओगे सर मैं ना गिटार के बारे में बात कर सकती हूँ क्योंकि आई आई लाइक गिटार, आई आई लाइक रॉक, आई लाइक बैंड, आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक जैज, आप कुछ भी बोल सकते हो उसके बारे में वो बात करेंगे। लेकिन क्योंकि उनके पास हर चीज का क्वेश्चन होता है, आप बोलो सही कि मुझे क्या क्या चीज में इंटरेस्ट हो, आपके क्वेश्चन निकाल लेंगे। सो फिर से बोल रहा हूँ ग्रिल नहीं करते जो जो चीज आपको, अब मैं कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 कि अब आपके क्वेश्चंस तो मैं लूंगा ही एंड में, लेकिन नंबर 1 मेरे मुझे मालूम है जब मैं आपको बता दूंगा तो आपके क्वेश्चन ज्यादा बचेंगे नहीं। नंबर 1 तो कि पंक्चुअल रहना, एंश्योर करना कि बाई चांस आप वाईफाई पे हो और आपका बिजली इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो आपको 1 सेकंड नहीं लगे अपना 3G कनेक्शन से इंटरव्यू देने के लिए। तो अपना बैकअप प्लान रेडी रखना कि अगर आपका इंटरव्यू के बीच में आपका बिजली चला जाए या आपका इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका करियर ना रुके, आपका साथ में आप बस एकदम 1 सेकंड लगे कि आप उसको हॉटस्पॉट रेडी रखना, हमेशा अपना हॉटस्पॉट रेडी रखना कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो 10 to 15 सेकंड के ट्रांजिशन टाइम में आप दोबारा से कनेक्ट कर लो और उनको बताओगे कि सर मेरा इलेक्ट्रिसिटी चला गया था एंड इट टुक मी 15 सेकंड्स एग्जैक्टली टू कि मैंने अपने आप को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट किया। वो हो सकता है आपको बता दें कि नहीं आपको बैठे रहना है, कि आपको अपना वेटिंग रूम में बैठे रहना है
और जब आपका टर्न आएगा तो, और बहुत सारे बच्चों का एकदम आदत होता है, उनको लगता है कि अबे इतनी देर से बैठा दी हो, मुझे बुला ही नहीं रहे हो। वेटिंग रूम में उनको बार बार चैट में लिखोगे नहीं कि वेन विल माई टर्न कम, वेल विल माई टर्न कम, अगर ऐसा आप कुछ भी करोगे तो आप समझ लो ना कि समझ लो कि वो बहुत इरिटेट हो जाएंगे कि बच्चे में इतना सा पेशेंस नहीं है और इसको एनआईडी या निफ्ट आना है। तो निफ्ट में भी इंटरव्यू होता है, लेकिन पेशेंस रखना, आपको वेटिंग रूम में रखेंगे जितने भी टाइम वेटिंग रूम में रखें रहो, लेकिन ये बिल्कुल मत करना कि वो आपके टाइम से आप 15 मिनट लेट पहुंचो, ये बिल्कुल मत करना, फंस जाओगे। नाउ अपना जो एटिकेट्स है वो मेंटेन रखना, एटिकेट्स मेंटेन मतलब कि डू डू ग्रीट देम, मतलब ऐसा नर्वसनेस, बहुत लोग आते हैं मेरी तरफ, अभी तुमको मेरा शक्ल अगर देखोगे ना, तुमको मेरा शक्ल देख के लगेगा कि ये आदमी इतना नर्वस क्यों है, आई एम श्योर तुमको लगेगा कि नर्वस क्यों, मैं हूँ ही ऐसा, ये नहीं करना, मतलब ऐसा शक्ल नहीं बनाना, जो ये शक्ल है ना ये वाला, ये नहीं बनाना है इंटरव्यू में, आपको बहुत स्माइलिंग फेस रखना है। यू हैव टू इंश्योर कि आपका जो जो भी चीज़ आप शो कर रहे हो, मतलब जो अपने आप को शो कर रहे हो, आपको ग्रीट करना है उनको कि हेलो सर, हाउ आर यू, हाउ इज योर डे, आप कुछ भी बोलोगे बहुत अच्छा मानेंगे, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये तुम क्यों पूछ रहे हो भाई सवाल मेरे से, ठीक है, वो तुम उसको बोलो, तुम उसको कि हेलो लाइक इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट विथ, हाउ इज योर डे, ठीक है। और सब जो भी पैनलिस्ट होंगे, सर मैम मैडम, जो जो भी जैसा भी लग रहा है कि सामने है, और जो भी आंसर बैक भी आपको करना है ना, सपोज उन्होंने कुछ क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा, तो डू नॉट स्टार्ट विथ आंसर डायरेक्टली, सर मैम लगा के करना हमेशा, जैसे जितनी इज्जत आप मेरे को देते हो उतनी इज्जत उनको देनी है, आप हर चीज के ऊपर, आप जितने सेंटेंस आप मुझे लिखते हो उसमें सब में सर लगाते हो, क्यों लगाते हो, क्योंकि वो रेस्पेक्ट, दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि आपके टिकट्स क्या है, तो जब भी आप कुछ उनको रिप्लाई करो, उनको डेफिनेटली आप उनको करोगे कि हाँ मैं इस तरीके से आंसर देना, कि उनको लगे कि बहुत वार्म कैटेगरी का उसको इंटरव्यू का शुरुआत करना, वो तुमसे पूछे हाउ इज योर डे, तो अगर अच्छा है तो बोलना अच्छा है, इट्स अ गुड डे, इट्स अ सनी डे हियर, इट्स अ क्वाइट हॉट हियर, जो भी बोलना है बोलो, लेकिन ऐसा नहीं कि इट्स गुड सर ये बोल के छोड़ मत देना, एक सेंटेंस में उसको आगे खींचना है, इट्स इट्स अ गुड डे, इट्स अ सनी डे, इट्स अ वार्म डे, इट हैज बीन क्वाइट नर्वस डे फॉर मी, आपको जो मन है वो बोलो, लेकिन वो स्माइलिंग फेस के साथ बोलना, ऐसा उनको देख के नहीं लगना चाहिए कि यार उल्टा जवाब दे रहा है, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में, अंडर ग्रेड हो या पोस्ट ग्रेड हो, इन वॉट एवर कंडीशन इट इज, प्लीज एंश्योर दैट यू आर नॉट रिप्लाइंग देम विथ एनी रूड आंसर, नॉट एट ऑल, एक रूड आंसर एंड योर इंटरव्यू इज ओवर एंड यू आर फिनिश्ड, प्लीज मत करना। आपका इंटरव्यू कितना भी बुरा जा रहा हो, कितना भी, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जब इंटरव्यू शुरू से अंत तक लगता है देख के कि यार ये तो कैसा इंटरव्यू जा रहा है मेरा, लेकिन वो हंसता हंसता अगर निकाल देता है तो भी ले लेता है एन आई डी, बोलता है कि यार इस बच्चे ने सारा आंसर गलत दे के भी हमें इम्प्रेस किया, क्यों, क्योंकि इसने अंत तक नर्वसनेस नहीं शो होने दिया, और इसका मतलब है कि ये एक अच्छा लर्नर है, और इसको हम लोग अगर थोड़ा सा ट्रेन करेंगे ना तो ये एक अच्छा पर्सनैलिटी में डेवलप करेगा, क्योंकि वेन यू आर कमिंग इन टू द फील्ड ऑफ डिजाइन आप में पेशेंस बहुत होना चाहिए, तो की टू क्लियर द दीज एनी ऑफ दीज इंटरव्यूज, वेदर इट इज निफ्ट एम एफ एम और एन आई डी पी जी और एन आई डी अंडर ग्रेजुएट, दैट यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस इन यू, नेवर एवर प्रिटेंड दैट यू नो मोर देन देम, आप हो सकता है ना कि वो जानबूझ के कुछ ऐसा चीज पूछे जिसमें वो गलत हो, लेकिन वो देखना चाहेंगे कि आप कि आपने किस तरीके से उसको रिप्लाई किया, हो सकता है कि आप सही हो वो गलत हो, लेकिन आपको रिप्लाई ऐसे नहीं करना है ना जिससे कि उनको लगे कि यार ये तो लड़ाई करने लग गया मेरे से, तुमको तुम बहुत हम्बली बोल सकते हो कि सर इट माइट बी पॉसिबल दैट आई एम रॉन्ग बट आई थॉट दैट दिस इज द आंसर बट आई 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 एम टोटली विथ यू, इफ यू आर सेइंग आई एम श्योर आई 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 मस्ट बी रॉन्ग, तो आप इस तरीके से आंसर दो कि उनको लगे कि ये इसको मालूम भी है कि ये सही है तब भी इसका हम्बलनेस गया नहीं उधर से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ड्रेस प्रॉपरली, ड्रेस अपना बहुत ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं होता, देयर इज नो सेट ड्रेस कोड, लेकिन कोई भी ड्रेस कोड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेलो ब्रो लिखा हुआ है ऊपर टी शर्ट के ऊपर और कुछ स्लैंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है एफ सी यू के, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्लेन ब्लैक पहनना है प्लेन ब्लैक पहनो, व्हाइट कुर्ता पहनना है व्हाइट कुर्ता पहनो, हेयर स्टाइल नॉर्मल रखो, अगर आपकी दाढ़ी है तो आप दाढ़ी बना लो अपना ठीक करो, बट इट यू शुड, ऐसा नहीं कि दाढ़ी अपने को छील के जाओ, अपना लुक मत चेंज कर लेना, क्योंकि बहुत लुक चेंज करने पर आप खुद ही नर्वस हो जाते हो कि यार मैं, बिकॉज यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन लुक, सो अपने लुक का बेस्ट वे निकालो, ऐसा मत करना है कि इंटरव्यू के दिन लुक ही चेंज कर लो, क्योंकि अगर आप लुक चेंज कर लोगे तो उस दिन आप बहुत नर्वस हो जाओगे, क्योंकि आप उस लुक में कॉन्फिडेंट ही नहीं होगे, सो इन विच एवर लुक यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट वियर दैट लुक ऑन दैट डे, नॉट अ लॉट ऑफ मेकअप, बहुत नॉर्मल, कुछ भी ऐसा कुछ मत करना जिससे कि ऐसा लगे कि ये कोई बहुत फैशन कॉलेज का इंटरव्यू दे रहे हो या डिजाइन कॉलेज का, ग्लैमरस वे में आप इंटरव्यू दे रहे हो, यू हैव टू शो द
आर्टिस्टिक ऑफ यू इनसाइड, तो उसको आपको एक बार जब शो करना है तो आप कुछ भी पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंश्योर कि वो बहुत लाउड ना हो, कुछ लिखा नहीं हुआ हो, ज्यादा ग्राफिक्स नहीं बना हुआ हो। कुछ कुछ स्टूडेंट तो क्या करते हैं कि वो अपना ही बनाया हुआ कुर्ता पहन लेते हैं, अपना बनाया हुआ ज्वेलरी पहन ली, और वो बताते भी कि दिस इज समथिंग आई मेड, दिस इज, जो हैट आप देख रहे हो वो हैट तो ऑफकोर्स नहीं पहनोगे इंटरव्यू में, साइड में रखते हो। जब कभी वो पूछते हैं कि अच्छा कुर्ता आपने बनाया, कुर्ती आपने बनाया, अब बोलता हूँ कुर्ती सर मैंने बनाया, मैंने इसके साथ साथ ये भी बनाया, देखो स्टोल भी है, कैन आई शो यू। तो अपने आस पास सब कुछ रखे रहना, खैर उस पर बात करूंगा। बैकग्राउंड लाइट रखना, ट्राई टू हैव एब्सोल्युटली लाइट बैकग्राउंड, बहुत डेप्थ ना हो, पीछे वॉल हो, सीधा वॉल हो, वो बैकग्राउंड ज्यादा बेटर होगा। ऐसा मत करना कि पीछे बहुत डेप्थ है, बहुत चेयर टेबल सब कुछ नजर आ रहा है, और उनको आपकी अमीरी बिल्कुल देखने में इंटरेस्ट नहीं है कि आपका घर कितना बड़ा है, उनको बिल्कुल देखना है कि आपने किस तरीके से बिल्कुल लाइट बैकग्राउंड में अपना काम किया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर दैट योर बैकग्राउंड इज वेरी नॉर्मल, यू आर वेयरिंग नॉर्मल। और जैसे कि कॉम्पोजिशन देखो, जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ तो आपको मेरे इस साइड में ज्यादा वॉल दिखेगा, इस साइड में कम वॉल दिखेगा। प्लीज इंश्योर कि आप बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हो, ठीक है, प्लीज इंश्योर कि आप बिल्कुल में सेंटर में बैठे हुए हो। कुछ स्टूडेंट मोबाइल फोन के ऊपर बैठ जाएंगे और उनका चेहरा ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा बीच में करेंगे, ऐसा करेंगे, ये मत करना। शुरू में ही फिक्स कर लेना कि किस तरीके से मेरा दिखना चाहिए। अगर आप मोबाइल फोन नहीं दे रहे हो तो स्टैंड पे होना चाहिए, उसको ऐसा मोड पे करना कि बीच में फोन ना बजे, उनको होल्ड पे ना उनको जाना पड़े, सब कोई गलती मत करना। और प्लीज ऐसे ऐसे मत करते रहना, मतलब मोबाइल फोन आपके ऐसे ऐसे होता रहता है, आपका टैब ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, वो बहुत इरिटेट हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये बच्चा इसी के लिए सीरियस, दिस इंटरव्यू डोंट लेट इट मेक फील देम कि ये इंटरव्यू ऑनलाइन चल रहा है, बी फॉर यू इट्स अ वन टू वन सामने सामने इंटरव्यू चल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट यूज स्लैंग्स, ठीक है, स्लैंग मतलब कि नो एट एनी सर्कमस्टेंसेस डू नॉट यूज द स्लैंग लैंग्वेज, लाइक यू गाइज, लाइक वो बोलेंगे आपको एनआईटी के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है, तुम बोलोगे यू गाइज हैव ऑसम फैकल्टी, वो बोलेंगे भागो यहाँ से, ठीक है, वो ऐसा कुछ भी नहीं, ओ माई गॉड, ओ एम जी, मैंने जानता हूँ, अभी मैं बहुत सारे इंटरव्यूज लेता हूँ आप लोग का, तो इट्स काइंड ऑफ कूल, इट्स किंडा, व्हाट्सअप, ऑसम, ये सब बोलना शुरू कर देते हो, अब बस उनको हो जाती है नाराजगी आपसे कि ये देखो ये तो हमको चाहिए ही नहीं था, और ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है और कैसे बातें कर रहा है। सो प्लीज इंश्योर कि ऐसा कुछ भी ना हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अपना कैरी योर ओन पोर्टफोलियो, अपना पोर्टफोलियो जरूर से कैरी करना, ऐसा मत करना कि अपना पोर्टफोलियो ना कैरी करो, आपके पास जो भी है ना वो अपना साथ में कैरी करना, हो सकता है वो मांगे ही ना, वो आपके सामने स्क्रीन खोल के दिखा दें कि देखो भाई तुम्हारा ये काम है, तो आपको कुछ समझाने की स्क्रीन शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि वो बोले कि हाँ आप रखे हो तो दिखा दो, अब ये काम मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, कैन यू शो दिस वर्क, तो कीप एवरीथिंग अराउंड यू, अगर मांगेंगे तो ही दिखाना, नहीं मांगेंगे तो दिखाने की जरूरत नहीं है उनको, बट येस वॉट एवर यू हैव डन, वॉट एवर इन द पोर्टफोलियो एंड वॉट एवर इज नॉट इन द पोर्टफोलियो स्टिल यू वॉन्ट टू सी, कीप इट अराउंड यू। आपसे आपको बोलेंगे दिखाने को आप दिखाना, आपको नहीं बोलेंगे दिखाने को नहीं दिखाना, लेकिन रखना सब कुछ अपने आसपास ही, अंडरस्टूड, एकदम बिल्कुल ऐसा मत करना कि अच्छा मैं लाती हूँ पोर्टफोलियो, दो मिनट दो सर मेरे रूम में रखा है, दराज में रखा है, मैं अभी वहाँ से निकालूंगी ले आऊंगी, बोलेंगे अच्छा, मतलब अपना होमवर्क अच्छे से करके रखना। तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम्हारा होमवर्क है यू ड्रेस अप फाइन, तुम्हारा होमवर्क है यू स्पीक वेल नॉट यूजिंग स्लैंग वर्ड्स, तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा हो और बहुत प्रोपोर्शनेट हो, जैसा मैंने बोला कि सब तरीके से प्रोपोर्शनेट हो। तुम्हारा होमवर्क है कि तुमको अपने शहर के बारे में पता हो, तुम्हारा होमवर्क है तुमको अपने पापा मम्मी के बारे में पता हो, कौन है, कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तुम्हारा भाई कहीं पढ़ता है तो कौन सा पढ़ाई कर रहा है, अगर पढ़ाई करता है कोई छोटा भाई है तो किस स्कूल में पढ़ता है, तुमसे जो भी पूछे उसका डिप्लोमेटिकली आंसर दो, अगर पूछे कि ये लॉकडाउन से कितना फर्क पड़ा ऑनलाइन स्टडीज में तो उसका एक अपना आंसर सोचो, सुमित सर से मत पूछो कि सर अगर वो बोले ऑनलाइन पढ़ाई में क्या फर्क पड़ा तो सुमित सर मैं क्या आंसर दूँ, जो आपको फील करता है वो बोलो, लेकिन नेवर बी एक्सट्रीमली अग्रेसिव। मैं बाद में क्वेश्चन लूंगा, अभी सब लोग हाथ नीचे कर लो, मैं एंड में क्वेश्चन लूंगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कन्वेंशनल आंसर बिल्कुल मत देना, कन्वेंशनल आंसर मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डू नॉट मेमोराइज योर आंसर, ठीक है। सो इन एन एडमिशन इंटरव्यू फॉर डिजाइन कोर्सेज द पैनलिस्ट बेसिकली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वेदर यू हैव क्रिएटिव इंस्टिंक्ट in you along with ability and aptitude to pursue the course or not, matlab wo ye dekhna chahte hain, so please ensure karna ki matlab jo bahut jaise common question hota hai ki 5-10 saal baad apne aap ko kahan dekhna chahte ho,
तो जो मन करे वो बोलो, लेकिन कन्वेंशनल मत बोलो. आफ्टर 5 ईयर्स आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ वेरी बडिंग यंग डिजाइनर डूइंग माई स्टार्टअप, ऐसा नहीं. जो एक्चुअल में सोचे हो ना वो बोलो. ऐसा कुछ मत करना कि कुछ भी बोल दिए जो जो वो लोग बहुत दिन से सोचे हुए हैं कि ये मतलब जो उनका रेगुलर जो वो सुनते आ रहे हैं आंसर, ऐसा कुछ मत करना. नाउ लास्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो एडमिट करो. एडमिटेड दैट आई डोंट नो, डू नॉट एडमिटेड कि नहीं मुझे सब आता है. और उनको मतलब एडमिट योर इग्नोरेंस वेरी फ्रैंकली. डू नॉट फील कि नहीं मैं अगर इसका हर चीज़ का आंसर देना जरूरी है. वो आपसे पूछ लें कि यार ये तुम्हारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है. सर चीफ मिनिस्टर तो पता है पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं पता. तो एडमिटेड, आई मीन दैट्स फाइन टू बी इग्नोरेंट, बट इट्स नॉट फाइन टू बी टू शो एटीट्यूड विथ इग्नोरेंस. तो प्लीज कीप द एटीट्यूड एट योर होम. उसको अगर आप में थोड़ा सा भी है तो प्लीज याद रखना उसको एकदम घर में कहीं बहुत बड़े लॉकर में डाल देना. अगर थोड़ा सा भी एटीट्यूड है आप में, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैं टीचर्स को उल्टा जवाब दे सकता हूँ, मैं पैनलिस्ट को बहस कर सकता हूँ, तो उसको घर में छोड़ के जाना. अगर NID जाना चाहते हो तो, अगर NID नहीं जाना चाहते तो जितना मन उतना बहस कर लो. मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि एक केस स्टडी बन जाएगा कि देखो इसने ये किया था और इसके वजह से इसका ये हुआ. लेकिन अगर आप एक्चुअली में NID जाके एक डिफरेंट काइंड ऑफ केस स्टडी बनना चाहते हो, देन डू नॉट आर्ग्यू विद द पैनलिस्ट. नो मैटर हाउ रॉन्ग दे आर, नो मैटर हाउ रूड दे आर, बट इट्स नॉट योर जॉब टू गिव गिव देम अ ऑपोजिट आंसर. इट्स नॉट योर थिंग, इट्स नॉट द वे, गुड वे टू एक्चुअली गिव गिव देम आंसर इन विच दे कैन ऑल्सो फील ऑफेंडेड. आप कितना भी ऑफेंड हो जाओ उनको नहीं ऑफेंड करना है किसी भी हाल में. होंगे नहीं वो, क्योंकि वो लोग बहुत सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन प्लीज इंश्योर दैट देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ एरोगेंस एंड एटीट्यूड. नाउ एज आई टोल्ड यू अबाउट पोर्टफोलियो, दैट यू हैव टू बी वेरी 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 अपडेटेड अबाउट योर पोर्टफोलियो. दिस वर्क व्हेन यू हैव डन इन 2018, आई हैव डन दिस वर्क इन 2019, आई हैव डन दिस वर्क व्हेन आई वाज इन क्लास 2. व्हाट एवर वर्क यू हैव डन, व्हेन एवर यू हैव डन, देन प्लीज इंश्योर कि आपको पता हो उसके बारे में. ठीक है, सो नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. जिसको जिसको जो जो क्वेश्चन पूछना है अपना हाथ रेस करो, मैं आपको एक एक करके आंसर करूंगा. ओके निशा प्लीज आस्क. सर हमसे एप्लीकेशन जब हम फिल कर रहे थे तभी उन्होंने पूछा था व्हाई एनआईडी एंड द थ्री क्वेश्चन, सो लाइक इज इट पॉसिबल कि वो उसको निकाल के बैठे रहे एंड दे विल लाइक ट्राई टू मैच आवर आंसर्स, और या फिर वो उसी में से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे हमें? नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्रॉस क्वेश्चन तो आपके पोर्टफोलियो से भी करेंगे और वो नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछेंगे जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है. दैट्स टोटली अप टू देम व्हाट दे कैन व्हाट दे आस्क. बट यस एक चीज श्योर है कि वो बहुत आउट ऑफ द वे जाके नहीं पूछते हैं चीजें, मतलब उनको पता है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वो उतना ही चीज पूछते हैं. क्रॉस क्वेश्चन वो बिल्कुल करेंगे आपके पोर्टफोलियो से, जो भी चीज आपके पोर्टफोलियो में उससे रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकते हैं. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, ओके ओके टेल मी. यस सत्यार्थ सर, अगर मुझे कोई चीज इंफॉर्मेशन नहीं देनी, आई डोंट वांट टू गिव इट बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर रीजन एंड मतलब इट्स काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियल, सो क्या करूं मैं? ऐसा आप, ऐसा अगर आप कोई ऐसा पोर्टफोलियो में चीज ही मत डालो. नहीं नहीं पोर्टफोलियो में नहीं, अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज वो नहीं पूछेंगे आपसे, डोंट वरी. नहीं नहीं सर नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपसे कुछ पूछो और बोलो इट्स कॉन्फिडेंशियल. आपको आवाज आ रही है? जी सर. हाँ, आपसे ऐसा कोई कॉन्फिडेंशियल सवाल वो पूछेंगे नहीं, और अगर ऐसा कुछ पूछते हैं कॉन्फिडेंशियल वो पूछेंगे नहीं, डोंट वरी. किसी को और को इनको क्वेश्चन पूछना है, नहीं तो फिर मैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जाऊंगा. यस मौलिका. So I don't know if this question has been asked before, I joined the session late. So will they be asking about any coaching institute that we have been to for preparing for the exam? बिल्कुल पूछेंगे. आप बोलना कि हाँ मैंने कोचिंग गई थी, कोई दिक्कत नहीं. आप उनको बताना कि उनको आपका जब NID का पेपर भी उनके सामने खुला होगा, उनको आपके आंसर देख के समझ में आ जाएगा कि आप कोचिंग गए हो नहीं गए. मैंने बोला उनसे झूठ नहीं बोलना, उनसे जो भी चीज है उनसे झूठ नहीं बोलना, लेकिन आपको ऐसा दिखाना है कि कोचिंग सेंटर जब आप गए थे तो वहां पे मैंने कोई आर्टवर्क नहीं किया है. मैंने इसीलिए मैं आप लोग से स्पेशली बोला हूँ कि मैक्सिमम काम आप लोग वो डालो जो कोचिंग के बियॉन्ड हो. अगर कोचिंग वाला काम सब डाल देंगे तो उनको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा. आप लोगों को ऐसा रियलाइज नहीं हुआ, फील नहीं हुआ एग्जाम के बाद कि हम लोगों ने साफ साफ आपको बोला कि यू आर ऑन योर ओन, डो नॉट पुट एनी थिंग विच हैज बिन टॉट विच हैव बिन डन इन कोचिंग. आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने स्टैम्प पोस्टर और अपना सिचुएशन टेस्ट का सामान डाल दिया, उसको मैंने हटवाया.
अंटिल अनलेस कि वो एकदम ऐसा नहीं लग रहा हो, अंटिल अनलेस कि वैसा लग रहा हो कि हाँ वो आपका काम बिल्कुल मतलब खुद के दिमाग से लगाया हुआ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट यस प्लीज मेक श्योर कि आपसे वो जो बोले जो पूछे आप उसके बारे में सच सच आंसर दो, डोंट लाई। ओके सर, हो सकता है वो पूछे आपसे कि आपकी तो ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो कैसी पढ़ाई होती थी, आपको समझ आता था, आप कितना क्वेश्चन आंसर पूछते थे, आप फीडबैक कैसे लेते थे, जो जैसा होगा वैसा बताना। बट मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से सब लोग को, आप लोग 23 लोग हो अभी यहाँ पे, 23 के 23 से बोल रहा हूँ कि कोई भी आंसर जो अपना है वो मैन्युफैक्चर मत करना, जो भी आंसर आपको देना है वो वही देना तो सच हो, जितना सच आंसर करोगे उतना आपके लिए इजी होगा इंटरव्यू को फेस करना, क्योंकि आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि अगले क्वेश्चन में मुझे क्या स्टोरी बिल्ड करनी है। सो डू नॉट बिल्ड योर स्टोरी थ्रू आउट द इंटरव्यू, अगर उनको आपका अच्छा चीज भी बुरा लगे तो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, और आपका बुरा चीज भी उनको अच्छा लगे तो आपकी किस्मत है। तो इसीलिए डू नॉट मैन्युफैक्चर, डू नॉट बिल्ड एनी आंसर ऑन दैट डे, क्योंकि एक जगह जब तुम झूठ बोलना शुरू करोगे ना, वो पिछले 20 साल से इंटरव्यू ले रहे हो आपका झूठ पकड़ के, उसके बाद वहीं से ले चलेंगे आपको वो। तो इसलिए कहीं भी किसी भी कंडीशन में झूठ मत बोलना। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? इफ नॉट देन आई विल गो टू माय लास्ट सेगमेंट। ओके, सो नो वन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो अब अगला होता है कि कितना लंबा चलेगा इंटरव्यू। ये इंटरव्यू नहीं है, पहला तो ये कन्वर्सेशन है, अंडर ग्रेड का हो या पोस्ट ग्रेड का हो, दिस इज नॉट योर इंटरव्यू, दिस इज अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन विच विल बी हैपनिंग, अ वेरी हेल्दी कन्वर्सेशन दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू वेदर इट विल बिकम हेल्दी और बिकम इरिटेटिंग। सो कोशिश करना कि हेल्दी रहे, हेल्दी तभी तक रहता है जब आप इंश्योर करते हो कि जो आपको आता है वो आप आंसर दे रहे हो, जो आपको नहीं आता उसको आप मना करते जा रहे हो, और जितना काम आपने किया है वो आपने खुद का किया हुआ काम लगाया, अगर आपने किसी और का किया हुआ काम लगाया आप फंस जाओगे। तो प्लीज इंश्योर ऐसा कुछ मत करना कि किसी और का काम है और आपने, क्योंकि उनको उनको स्ट्रोक से पता चल जाता है कौन सा काम आपका कौन सा। तो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कितना लंबा चलेगा इंटरव्यू, 10 मिनट भी चल सकता है, 15 मिनट भी चल सकता है, 45 मिनट भी चल सकता है। अब ये इसके ऊपर बिल्कुल मत सोचना सर मेरा इंटरव्यू तो 5 मिनट में खत्म हो गया तो क्या मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, या सर मेरा इंटरव्यू तो 20 मिनट चला क्या मेरा इंटरव्यू बहुत बुरा हुआ, सर उन्होंने मुझसे 45 मिनट तक ग्रिलिंग की, तो 45 मिनट की ग्रिलिंग भी अच्छी है क्योंकि इसका मतलब कि उनको इंटरेस्ट था आपके इंटरव्यू में, और 5 मिनट्स का शॉर्ट इंटरव्यू भी अच्छा है, इसका मतलब कि बहुत क्लियर थे आपके पोर्टफोलियो के देख के। सो प्लीज डू नॉट गेट नर्वस कि ये मेरा इंटरव्यू इतना देर चला तो उससे मैं ये कंक्लूजन निकालूं, निष्कर्ष आप लोग कोई कंक्लूजन मत निकालना अपने आप से कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो आपसे पूछे, वो हो सकता है लास्ट में आपसे पूछे कि आपको NID से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो आप बताओ उनको क्या एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मुझसे मत पूछो कि मुझे क्या इसका आंसर देना है, जो एक्सपेक्टेशन है आपको मालूम है ना एक्सपेक्टेशन क्या है। एक्सपेक्टेशन जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे सर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, अगर बोलता मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि आई वांट टू ट्रैवल टू इंडियन विलेजेस, आई वांट टू मीट द आर्टिसंस, आई वांट टू मीट द क्राफ्ट्समैन, आई वांट टू लर्न अबाउट मोर अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट क्योंकि मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं उसके आंसर उसी वे में देता कि मुझे NID से भी ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं करूँ, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आप बोलना, हो सकता है आपका एक्सपेक्टेशन उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर उनसे, बस मैं बोल रहा ना उनको ऐसा कोई आंसर मत करना जिस आंसर में आप फंस जाओ, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे ना लास्ट में पूछ सकते हैं कि आप हमसे पूछो जो जो क्वेश्चन पूछना है, तो आप अपने पास भी 4-5 क्वेश्चन का सेट रेडी रखना, ऐसा मत पूछना नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना है सर मैं आई एम गुड विथ इट, आप भी क्वेश्चन पूछना सर सर हाउ इज द वेदर इन अहमदाबाद, आई एम वेरी स्केयर्ड दैट आई हैव हर्ड इट्स वेरी हॉट, सो सो कि मतलब मैं तो खुद देहरादून से हूँ या फिर मैं खुद एक संडे जगह से हूँ, या फिर और चीज़ पूछो कि सर कि अगर हम अहमदाबाद आते हैं तो व्हाट ऑल प्लेसेस फॉर आर्ट एंड कल्चर देयर जहाँ मैं जा सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरा NID होगा तो मैं सर मैं 5-6 दिन पहले आ जाऊँगी, तो ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ मैं जा सकती हूँ और मेरा अपना जो जो मुझे NID के पहले, और हो सकता है आप बोलो कि सर आप मेरे को ये बता दो कि लाइक बिफोर ज्वाइनिंग एनी डिज़ाइन कॉलेज एंड नॉट डोंट टेक द नेम पर्टिकुलरली NID, डिज़ाइन कॉलेज जाने के पहले मुझे और क्या क्या स्किल के ऊपर अपने काम करना चाहिए, तो इस तरीके का उनसे आंसर पूछना जिसमें कि मैम जानता हूँ लास्ट ईयर एक बच्चे से पूछे वो बच्चे ने बोला सर मेरा NID होगा या नहीं होगा, अब ऐसा बेवकूफ वाला सवाल पूछोगे तो डेफिनेटली NID नहीं होगा, ठीक है वो नाराज ही हो जाएंगे कि ऐसा सवाल मेरे से पूछ रहा था, ऐसा कुछ भी मत बोलना इंटरव्यू से रिलेटेड आपसे रिलेटेड कि सर हाउ डिड माई इंटरव्यू गो, ऐसा कुछ मत पूछना उनसे, उनसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछना जिसका आंसर तो उनको पता हो
उनको ये मत पूछ लेना कि सर बताओ घर में जो फिनाइल यूज करते हैं उसका क्या होगा, उसका उसमें कितना केमिकल यूज होता है, ऐसा सवाल पूछोगे तो बोलेंगे तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ऐसा बोलना जिससे हेल्दी वे में इंटरव्यू का डिस्कशन खत्म हो जाए, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन रखना अपने पास, ऐसा मत करना कि क्वेश्चन पूछना ही मत, नहीं आई एम गुड विथ इट सर, तो वो बोलेंगे बच्चे के पास इसमें क्यूरियोसिटी नहीं है, कुछ जानने की इच्छा ही नहीं है, उसको एनआईडी बुला के क्या करें, एनआईडी वॉन्ट टू सी कि आप कितना ज्यादा हमसे ही बात कर सकते हो, और वो जब आपसे बात करें तो आप कितना कम्युनिकेट करो, और बिल्कुल शांत मत हो जाया करना। अगर आपका कोई बहुत सारे स्टूडेंट हो तो इनको आंसर नहीं आता तो वो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, उस समय उनके आंख से आंसू निकलने लगता है, उनका इतना नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है कि एनआईडी के लोगों को कंसोल करना पड़ जाता है, अरे रो क्यों रहे हो, हम तो बस सवाल पूछे थे तुमसे और तुम तो रोने लग गए यहाँ पे। तो अगर नहीं आता होगा तो क्लियरली बोल देना नहीं आता, ताकि अगला क्वेश्चन पूछे जल्दी, ना कि 5 मिनट और वेस्ट हो जाए। और अगर आप एक बार शो कर देते हो कि आप नर्वस हो रहे हो, अगर आप रोने लग जा रहे हो तो आपसे अगला सवाल भी नहीं पूछते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि और पूछेंगे तो और रोगे तो और संभालना पड़ेगा, बाद में तुम बोलोगे भाई आपने तो बच्चे को रुला दिया, तो ऐसा वो बिल्कुल मत उनको फील होने देना कि आपको नर्वस हो रहे हो। आई एम श्योर एनआईडी का इंटरव्यू तो आप सब 100 टाइम्स नर्वस हो गए, लेकिन वो नर्वसनेस इंटरव्यू के 1 मिनट पहले खत्म कर देना, और इंटरव्यू का टाइम वो 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 20 मिनट का, जस्ट लिव दैट टाइम, उस टाइम पे बस ऐसा सोचना कि उस टाइम के अंदर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, उस टाइम के अंदर आप अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने भाई से बात करो, इस तरीके से करना। जय दीक्षा सर, क्या वो हमसे ये पूछ सकते हैं कि हमने और कौन से कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ है? उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो एनआईडी है, लेकिन वो पूछ सकते हैं जरूर कि ये नहीं तो क्या प्लान भी है आपका, आपने और क्या क्या सोच रखा है, बता देना उनको मैंने ये सब सोच रखा है। एज आई टोल्ड यू कि झूठ मत बोलना, किसी भी कंडीशन में झूठ मत बोलना, ठीक है। आप बता देना कि मैंने निफ्ट क्लियर कर रखा है, मैंने ISDI क्लियर कर रखा है, यहाँ नहीं होगा तो वहाँ जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाएगा कि मेरा इस कॉलेज में नहीं होगा। और उनको भी ये बात पता है कि आपको जितने लोग को सेलेक्ट किया अल्टीमेटली सॉल्व हो गया होगा, तो इसीलिए अपना बैकअप बताना। जो बच्चे बोल देते हैं ना कि अभी नहीं होगा तो अगले साल मैं फिर से दूंगा, उनको मालूम है झूठ बोल रहा है, तो ऐसा झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सच बोलना, ठीक है। यस मौलिका सर, जो मैंने पेंटिंग्स पोर्टफोलियो में मेंशन किया है, जिनकी मैंने पिक्चर्स डाली है, वो मेरे स्कूल में सबमिटेड थी, आई गॉट देम बैक यस्टरडे। आई मेड दिस रियली सिली मिस्टेक इन माय पोर्टफोलियो, द पेंटिंग्स, जो दो पेंटिंग्स हैं उनमें से, दे आर एक्चुअली A2 इन साइज एंड एक्सीडेंटली मेंशन देम टू बी A3 इन साइज इन द माय पोर्टफोलियो। इट्स नॉट अ बिग मिस्टेक, देखो तुमने बोल दिया ना कि तुमने मिस्टेक किया, बस इसको एक्सेप्ट करने की ताकत और क्षमता रखो। अगर उनके सामने भी बोल दो कि मुझसे गलती से हो गया, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट होंगे जो उसको चारों तरफ से काट देंगे, A3 को A2 को A3 बना देंगे, ये मत करना। सर, वोंट इट लीव अ बैड इंप्रेशन दो? बैड इंप्रेशन तब होगा ना जब वो पूछेंगे आपसे, ऐसा वो नौबत ही नहीं आएगी। तुम तो बोल देना स्कूल में टंगा, ये बोल देना कि सर स्कूल में था, मुझे आइडिया नहीं था, उस समय मेरे को साइज का इतना नहीं पता था, तो मैंने गलती से A2 और A3 में मिस्टेक करके और मैंने उसको मिक्स करके लिख दिया, या गलती मान लो कि नहीं सर गलती से लिख दिया, मैंने सबमिट कर दिया, दैट्स फाइन। ओके सर। महक, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? सर, आपने कहा था जैसे उनसे क्वेश्चंस पूछना है, तो वो एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू पूछेंगे हम, या फिर वो खुद ही बता? आपने पूछना है तब, अगर वो आपको ऑप्शन दे के तुम कुछ पूछना चाहते हो, ऐसा नहीं कि सब इंटरव्यू मेरी खत्म आपकी चालू, ऐसे मत करना। वो पूछेंगे कि आपको कुछ पूछना है मुझसे, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग टू अस, तो आंसर करना कि हाँ सर आई हैव वन क्वेश्चन एंड आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो समवन फ्रॉम एनआईडी एंड नाउ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दिस थिंग, तो आप पूछ लेना उससे आंसर क्वेश्चन अपना। ओके सर, ठीक है, लेकिन हम्बलनेस मत जाने देना, कोशिश करना कि एक सॉफ्ट नोट पे, सॉफ्ट टोन पे एंड विद अ स्माइलिंग फेस आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए। किसी ने और कुछ पूछना है? सर, मतलब पूरे टाइम जेन्युइन ही रहना है ना? एकदम जेन्युइन रखना, एनआईडी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ना लाइफ में ना एक रिग्रेट हमेशा रह जाता है बहुत स्टूडेंट को कि मैंने ना उस दिन थोड़ी रूड हो गई, या उस दिन ये आंसर नहीं देना चाहिए था, मतलब मैं अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए उनसे झगड़ बैठी। बिल्कुल मत करना, यू विल स्टार्ट इन अ गुड नोट, हैप्पी नोट, यू विल एंड इन अ हैप्पी नोट, बीच में जैसा भी इंटरव्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और याद रखना, डू नॉट कॉल दिस ए इंटरव्यू, ये इंटरव्यू नहीं है, ये कन्वर्सेशन है वेयर दे वांट टू सी हाउ गुड यू हैव डन योर होमवर्क। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, सो कुछ कुछ जो और क्वेश्चंस वो पूछते, मैंने आप लोग को पैनल मेंबर्स के बारे में बता दिया, कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको ड्रेस कोड के बारे में बता दिया, तुमसे वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, तुमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम जेन्युइन रहो, तुमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम में मोटिवेशन हो, तुमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम में एक जानने की और सीखने की इच्छा हो, मतलब एक डिटर्मिनेशन हो, हिंदी तुमको आता नहीं समझ में, तो अभी ये तुम में एक मोटिवेशन उनको दिखना चाहिए कि यू कम टू NID, यू आर अ गुड लर्नर एंड यू विल लर्न थ्रू आउट द नेक्स्ट 4 years एंड नॉट ओनली आर्ग्यू विद द टीचर्स।
वो उनको एटीट्यूड से समझ में आ जाता है कि ये बच्चे को लेंगे तो अगले चार साल मेरे आर्ग्यू करता रहेगा या अगले चार साल मेरे साथ मिलके पढ़ाई करके अपने आप को ग्रो करेगा। तो अपना एटीट्यूड बहुत अच्छे से शो करना। कितना लंबा इंटरव्यू चलेगा मैंने आपको बता दिया, 5 मिनट भी चल सकता है, 45 मिनट भी चल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके होने या ना होने पर। तो प्लीज मत इंटरव्यू के बाद कॉल करना, सर मेरा इंटरव्यू 9 मिनट 40 सेकंड में खत्म हो गया, तो अब क्या मैं इससे एक्सपेक्ट करूँ? इससे कुछ मत एक्सपेक्ट करो। आपका पोर्टफोलियो अच्छा, आपका थीमेटिक अच्छा है, तो आपका एग्जाम अच्छा ही होगा, डोंट वरी। नाउ ट्रिकी, व्हाट आर द ट्रिकी क्वेश्चन विच दे आस्क? ट्रिकी क्वेश्चन वो क्या क्या पूछते हैं? ट्रिकी क्वेश्चन वो पूछेंगे कि इस पूरे पोर्टफोलियो में जो आपने सबमिट किया, इसमें आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगता है, इसमें आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है। तो आपको अपना एक फेवरेट प्रोजेक्ट पता होना चाहिए जिसके बारे में तुमसे 2 घंटा भी कोई बात कर लेना तो तुम 2 घंटा बात कर सको, ठीक है? और एक बात ध्यान से समझना, मैं इतने देर से आपसे हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश नहीं बोला ना, इसीलिए आपको प्रूफ करना चाहता हूँ। मैं 6 घंटे इंग्लिश में ही बोल सकता हूँ कि कम्युनिकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, द लैंग्वेज इज नॉट, एंड यू हैव टू प्रूव दिस इन एन आईडी कि अगर आपको गुजराती भी आती है तो आप उसमें बात करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कम्युनिकेट करना सीखो बात को उनसे। वो मत करना कि आधा इंग्लिश आधा हिंदी, उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है? अपना सीवी, पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट पूछते हैं सर सीवी कैरी करें या नहीं करें, अपना सीवी कैरी करो, अपना पोर्टफोलियो भी कैरी करो, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों, सब कुछ अपने डेस्कटॉप में ही रखना। हो सकता है कि वो आपको बोल दें कि अपना डेस्कटॉप का स्क्रीन शेयर करो, तो अपना डेस्कटॉप का स्क्रीन बिल्कुल प्लेन कर देना, खाली कर देना। ऐसा मत करना कि डेस्कटॉप पे आपके 2000 फोटो हो पहले से और उसमें 50 सेल्फी हो। अब वो बोलेंगे बच्चा इसको तो अच्छा है, इसका डेस्कटॉप का स्क्रीन देखने ही लग रहा है, कितना अनऑर्गेनाइज, इसको तो लेना ही नहीं है। तो अपने डेस्कटॉप से सब कुछ हटा के सिर्फ और सिर्फ जो आपके एनआईडी का 2 आइकन होगा उसको रखना, बाकी सबको एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर बना के डाल दो ताकि आपको पता हो इंटरव्यू में कि बाई चांस अगर आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ गया तो आपके आपके डेस्कटॉप के ऊपर का 50 आइकन उनको और ना दिखे, सिर्फ वही दिखे। सो ऑनलाइन इंटरव्यूज के अपने टिकट्स हैं, ऑफलाइन इंटरव्यूज के अपने टिकट्स हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू का टिकट ये है कि इट्स द लैपटॉप द स्क्रीन एंड द कैमरा इज योर रूम, सो दिस रूम कैन नॉट बी अ मेसी रूम, इट हैज टू बी वेरी क्लीन एंड क्लियर। सो नाउ What if you are not confident about your answer? मैंने आपको बता दिया, ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं, वो करंट अफेयर्स के बारे में वो ये सब सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि आप ये बताओ कि अभी इजराइल का नया प्राइम मिनिस्टर बन गया है, कौन है, ठीक है? तो आपको ये सब जो बहुत मेजर मेजर चीजें पता होना चाहिए, US का प्रेसिडेंट कौन है, US की वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वैसे ये पूछते नहीं, वो जनरल करंट अफेयर्स। लेकिन दीज आर एक्सट्रीमली कॉमन आंसर्स विच यू शुड नो। आप लोग बहुत ही बुरे होते हो जनरल नॉलेज में, इसलिए मुझे डर होता है कि वो आपसे आपके स्टेट का डिप्टी सीएम भी पूछेंगे तो आप नर्वस कर जाओगे कि वो तो मुझे मालूम नहीं। तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो पूछ देंगे कि अगर मैं आपके शहर आऊंगा तो आप कहाँ कहाँ घुमाने ले जाओगे मेरे को। तो आपको अपने शहर का 50 चीज, मतलब 5-6 चीज तो पता होना ही चाहिए, नॉट 50, तो 5-6 चीज पता होना चाहिए कि मैं यहाँ ले जाऊंगी और ये इसके लिए पॉपुलर है, मैं यहाँ ले जाऊंगी इसके लिए पॉपुलर है, मैं आपको अपने स्कूल ले जाऊंगी और स्कूल में अपने प्रिंसिपल से मिलाऊंगी क्योंकि बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। सो ये सब चीज आपको अपने शहर के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपको शहर में आपके आएंगे तो कहाँ रुकेंगे, कितना कॉस्ट आएगा, अभी पेट्रोल का प्राइस क्या है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द पेट्रोल प्राइस, ऐसा कुछ भी चीज अगर आपके दिमाग में तो उसको अपने दिमाग में रखना। यस सत्यार्थ, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सर अब जैसे मैंने अपना जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो सर जो वोकैबुलरी यूज करी है, आई रेफर टू थिसोरस एंड कुछ कुछ मैंने टेक्निकल, मतलब टेक्निकल तो नहीं बट हाँ कुछ कुछ अच्छे इंग्लिश वर्ड्स भी यूज कर रहे थे थिसोरस के हेल्प से। तो सर अगर मैं वहां पे स्पोकन इंग्लिश मेरी इतनी बढ़िया नहीं रहती उतनी उस लेवल की तो उनको दिक्कत नहीं होगी क्या? कोशिश किया, दे वॉन्ट टू सी योर एफर्ट, दे डोंट वॉन्ट टू सी योर परफेक्शन। उनको परफेक्शन लेना होता तो पीएचडी का एग्जाम होता नहीं, सर आई टुक दिस अप दिस क्वेश्चन विद नर्जर सर एंड शिवम सर, दे सेड दैट इट कैन यू नो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन कर सकता है ये मेरे पोर्टफोलियो के साथ। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं आपको क्या आंसर दे रहा हूँ, मेरा आंसर है कि अगर आपने कुछ ऐसे वर्ड यूज किए हैं तो और भी वर्ड अपने दिमाग में रखना और उनको बताना कि हाँ मैंने ये इसलिए यूज किया कि मैं भी सीख रहा हूँ, अभी 12th खत्म हो गया था तो मैंने ये थिसोरस खरीदा, इससे मैं वर्ड सीखता हूँ, इससे वर्ड बनाता हूँ, इससे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो शो दैट ये अभी बहुत ज्यादा पुराना आपका पैशन नहीं है बल्कि पिछले 15-20 दिन पुराना ही पैशन है, दिस इज फाइन। मैक सर वो उसमें लिखा हुआ है कि वो आपको A4 साइज शीट आई गेस सामने रखने
पड़ेगी, तो क्या क्या पूछ सकते हैं ड्रॉ करने के तो लिए? जो उन्होंने आपको अपने सामने रखने को बोला आप रखो, हो सकता है कि आपसे वो बोल दे कि आपने जो बनाया कैरिकेचर जरा बना के दिखा दो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो जो चीज आपको आपके सामने रखने को बोले, शीट रखने को बोले होंगे, पेन रखने को बोले होंगे, आप लोग की तो आदत है ही नहीं ना पेन और पेपर सामने रखने की, आपकी क्या मेरी भी आदत नहीं है, हम लोग सब एक ही जैसे हैं। लेकिन जब इंटरव्यू होगा तो हम सामने पेन और पेपर रखेंगे, साफ रखेंगे, पेन भी अच्छा रखेंगे और दो रखेंगे बैकअप में, ठीक है? आपको बनाने को बोल सकते हो कुछ भी, ऐसे बोले नहीं है पिछले साल तो उन्होंने किसी से कुछ बोला नहीं है कि ये बना के दिखाओ, ड्रॉ करके दिखाओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट से मे बी कि उन्होंने बाकी बच्चों से बोला हो कि ये पोर्टफोलियो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने बनाया है तो कैसे बनाया, तो बना के दिखाओ, हो सकता है बोले और आपको बनाने पड़े। Anyways, now I'm coming to the final stage of the thing. If you are from post-graduation, if you are from post-graduation, you can leave the session now. In any case, I'll share the recordings with you. अगर आप post-grad के हो, तो आप session छोड़ सकते हो। मैं सिर्फ undergrad की बात करूँगा। Post-grad students का अलग से interview कल और परसों scheduled है। फिर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। So if you are from post-graduation, now whatever I'll say, this doesn't make much sense. So if any one of you are from PG and you want to ask me anything, you can ask. And then you can leave. Anyone want to ask anything? And if you have joined late, I'm going to share the session with you. Chalo, that's fine. Now you can leave. Now coming to thematic representation, all the students who have submitted the thematic representation, उसके बारे में बहुत अच्छे से स्टोरी आपको पता होना चाहिए। क्यों बनाए हो, कैसे बनाए हो, क्या किए हो, कब लिखे हो, क्या क्या था स्टोरी, एक बार आप बताओ कि क्या क्या होना कि like उसके पीछे का क्या क्या चीज है। So you have to know, एक सेकंड आप लाइन पे रहना। Alright. So, आपने जो thematic representation जो आपका जो जो आपने बनाया है उसके बारे में वो बहुत कुछ सवाल वो पूछ सकते हैं। वो प्लीज इंश्योर, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गुड विद दैट। प्लीज इंश्योर कि जो भी आपने thematic में किया है, कहाँ से थॉट प्रोसेस लाया हो, उसका पुराना स्टोरी क्या है, वो सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। उस दिन का एक्सपीरियंस क्या था, उस दिन आपने कितना एफर्ट किया था उस चीज को फुलफिल करने के लिए, जो भी आपने प्रेजेंट किया है वो अच्छा था या बुरा था, दैट्स टोटली फाइन, बट यू शुड नो इन डिटेल अबाउट दैट एक्सपीरियंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थेमेटिक के बारे में बस मैं इतना ही बोल के कंक्लूड करूंगा कि वो एक स्टोरी है और उस स्टोरी के बारे में आपको उसका इनिशियल, उसका बाद और उसका इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ सब कुछ पता होना चाहिए। सो प्लीज मेक श्योर क्या कलर यूज किया हो, शीट का साइज क्या है, पेंटिंग वाटर कलर यूज किया हो, पोस्टर कलर यूज किया हो, वॉट एवर थिंग यू हैव यूज, यू शुड नो अबाउट दैट थिंग। सो प्लीज इंश्योर थीमेटिक के बारे में आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं और वो मैं भी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि आपका स्टोरी है और वो स्टोरी आपके उसको वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दैट्स इट। सो एनीवे, सो दिस इज अबाउट द इंटरव्यू। नो नीड टू गेट नर्वस फॉर द इंटरव्यू, फॉर द थीमेटिक इट्स गोइंग टू बी इजी। यू ऑल यू नीड टू बी जस्ट कॉन्फिडेंट। प्लीज इंश्योर कि थीमेटिक आप अपने साथ रखो और जब वो दिखाने को बोले तो आप उसको दिखाना, क्योंकि वो आई एम 100% श्योर कि वो देखना चाहेंगे कि आपने थीमेटिक को शीट पे कैसे किया। अगर उसके पीछे आपने कुछ रफ स्केच बनाया है, कुछ डूडलिंग किए हो, कुछ लर्निंग डायरी, उसको भी अपने साथ रखना दिखाने के लिए, ठीक है? एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, बस अपना माइक ऑन करो और पूछो। नहीं है, चलो अब मेरे से अकेले अकेले क्वेश्चन मत पूछना मैसेज करके कि सर ये मैं पूछना भूल गई थी, जो भी चीजें पूछ लो फिर मैं आंसर नहीं दूंगा। मौलिका प्लीज आस्क। सर एज यू सेड बिफोर कि हमें अपना पोर्टफोलियो का जो भी पेंटिंग जो भी हमने चीजें डाली है उसके अंदर वी नीड टू हैव अ हार्ड कॉपी फॉर इट, बट देयर आर सम थिंग। अगर नहीं है तो इट्स फाइन। नहीं सर मेरे पास है, बट द थिंग इज जैसे इफ देयर आर सम थिंग्स जिनकी हार्ड कॉपी पॉसिबल नहीं है, व्हाट डू वी डू इन दैट केस? पॉसिबल नहीं है तो मत रखो उसका हार्ड कॉपी, वो शायद एक का भी हार्ड कॉपी ना देखें। सो डू वी जस्ट एक्सप्लेन द थिंग टू देम कि आई हैव डन दिस एज वेल? नहीं नहीं पूछेंगे तो एक्सप्लेन करना। 90% चांस में वो सिर्फ थीमेटिक का एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, पोर्टफोलियो का एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगे। ओके सर। ठीक है,
So if there is no question, I'm leaving the session. And if you have any, please ask right now. कुछ चीजें हो सकती है जो मैंने बोली हो, नरजर सर अलग बोले, शिवम सर अलग बोले, तो फिर एनआईडी का इंटरव्यू भी तो ऐसा ही होगा ना, पांच लोग होंगे और पांचों लोग का अलग थॉट प्रोसेस होगा, तो ये आपको झेलने की आदत डालनी पड़ेगी कि मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, नरजर सर का अलग है, शिवम सर का अलग है, तो अगर आप लोग क्लासेस ले रहे हो और उनकी बातें मेरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो ये चलेगा, इसलिए चलेगा क्योंकि इंटरव्यू के दिन भी यही होगा कि एक काम एक पैनल जो पैनल में तीन लोग एक को पसंद आएगा और अगला उससे आपसे इतना सवाल पूछ लेगा कि आप आंसर नहीं कर पाओगे, तो इट्स टोटली फाइन, बी डिप्लोमेटिक एंड बी वेरी काम एंड डोंट बी नर्वस ऑन दैट डे। अब ये बोलना बेकार है, नर्वस मत होना, नर्वस तो हो गई ऑब्वियस सी बात है, लेकिन प्लीज ये सोच के देना कि आपका एनआईडी हो चुका है, ये सोच के बस इंटरव्यू देना, हो ना हो भगवान के ऊपर छोड़ देना, ठीक है, चलो बाय। आई डोंट थिंक यू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी हम ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट से कर रहे हैं और उसके कुछ वर्ड्स मैंने डाले कल्चर से, बट वो मेरे पास अभी है नहीं, तो क्या मैं उन्हें बताऊं कि मैं ग्रेजुएशन अभी कहीं से कर रही हूँ? हाँ बता देना, वो थोड़ी बोलेंगे कि नहीं नहीं, तुमको पता है ना उसका प्रोसेस, पता है ना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इफ यू नो द प्रोसेस ऑफ द वर्क यू हैव डन दैट्स मोर देन इम्पोर्टेंट, उनको पता चल जाएगा कि आपने बनाया नहीं बनाया। ओके सर, ठीक है, चलो आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू and now you are much clearer than that how to sit for the interview. The only mantra is that do not get nervous, and ID is a very 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 humble people, the group of humble people jo aapse interview le rahe honge, aur wo aapke design aesthetic sense aur aapke humbleness aur aapke patience ko check karenge. As I told you that your exam will start right from you have entered into the waiting room, aur tab se aapka exam shuru ho jayega ki aap waiting room mein kitne acche se ho, ऐसा तो नहीं करो कि एंट्री करके एग्जिट करो, सब कुछ वो देखेंगे। चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आई एम गोइंग टू शेयर द रिकॉर्डिंग इफ यू वांट टू सी इट अगेन, थैंक यू, चलिए बाय।